हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोकू फू से लड़ रहा होता है और वेजिटा को पता चलता है सुपर ड्रैगन्स बॉल अपनी जगह पर नहीं है और फू ग्रैंड प्रिस्ट का दिया हुआ जानलेवा अटैक गोकू पर मारने की कोशिश करता है, मगर जालमा वहां सुपर शेनरॉन के साथ आ जाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट फू पर जोर देता है कि जालमा पर उस ताकत से इस्तेमाल करो और फू वही करता है जिससे जालमा मारा जाता है और गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ड्रैगन फिस्ट से फू को मार डालता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दो यार और लाइक भी कर दो यार, और कमेंट का काम तो आप कर ही देते हो तो सपोर्टिव कमेंट ज्यादा किया करो ताकि ये वीडियो ऐसे ही चलती रहे, नहीं तो इसका एंड काफी पास है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फू की मौत के बाद गोकू अब नॉर्मल हो जाता है और सैड हो जाता है और कहता है, ये क्या हो गया, हमने एक महान गॉड को खो दिया, आखिर हम क्यों लड़ रहे हैं, हम क्यों इस तरह से एक दूसरे को मार रहे हैं। अब गोकू का ध्यान ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। गोकू गुस्से में कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये तुम ही करवा रहे हो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट सभी प्लैनेट्स की एनर्जी को ले लेता है। गोकू कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अब मैं ताकतवर हो चुका हूँ, मैं अब मर नहीं सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हो चुका हूँ, मेरी शक्तियाँ इतनी बढ़ चुकी है कि मैं अब उस बच्चे जैनो को मार सकता हूँ। अब बस मुझे वहाँ जाना है और उसे ख़त्म कर देना है, फिर मैं बन जाऊँगा किंग ऑफ एवरीथिंग। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को देख रहा होता है और शॉक्ड होकर कहता है, क्या इसने एनर्जी ले ली, मतलब ये अपने मकसद में कामयाब हो गया, तो अब क्या सब खत्म हो चुका है। नहीं, अभी मेरे पास जैनोसामा है, मुझे उनसे मदद लेनी ही होगी, तो क्या मुझे उन्हें यहाँ बुला लेना चाहिए। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम सेयन, तुम मुझे रोकने के लिए यहाँ आए थे ना, कोई फायदा नहीं है, सब बेकार है, तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे। गोकू कहता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को समझाता है, देखो सेन, मैं ये सब करके तुमसे दुश्मनी नहीं निकाल रहा हूँ, मैं तो बस जैनो को सबक सिखाना चाहता हूँ। गोकू कहता है, पर ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको क्या जरूरत पड़ गई। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जैनो एक बच्चा है, उसे उसके बाप ने जो ताकत दी है वो उसके बिल्कुल भी लायक नहीं है, वो इस ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। गोकू पूछता है, कैसा गलत इस्तेमाल। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वो अपनी मर्जी से किसी को भी इरेज कर देता है, उसे जब भी किसी बात पर गुस्सा आता है वो यूनिवर्सेस को इरेज कर देता है, भला ये कोई बात हुई, इसलिए मैंने ये सब किया और अब मैं उसे ख़त्म करने जा रहा हूँ। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या आप उन्हें मार दोगे, ये आप क्या कह रहे हो, और आप तो बिल्कुल शांत स्वभाव के हो। ग्रैंड प्रिस्ट अब हंसकर कहता है, ये तुम्हारी गलत फहमी है बच्चे, मैं कभी भी शांत स्वभाव का था ही नहीं, मेरे अंदर जैनो के लिए काफी ज्यादा नफरत भरी हुई है, मन करता है कि पल भर में उसे खत्म कर दूं, मगर उसके वो बॉडीगार्ड उसके साथ हमेशा रहते हैं जो हर पल उसकी रक्षा करते हैं। जैनो के बाप ने उन्हें काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है, वो टॉप 5 में आने वाले फाइटर्स हैं, उनके कॉम्बैक फाइटिंग स्टाइल काफी खतरनाक हैं, मगर अब मैं उन्हें आसानी से खत्म कर सकता हूँ। चलो अब बात बहुत हुई, अब काम शुरू करते हैं। अब ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चला जाता है। गोकू शॉक्ड होकर कहता है, हाँ वो कहाँ गया, इसका मतलब वो जैनोसामा के पास चला गया, अब मुझे लगता है मुझे जैनो को सब बता देना चाहिए, अच्छा हुआ मैंने उन्हें यहाँ नहीं बुलाया, वरना वो अकेले आ जाते और ग्रैंड प्रिस्ट उन्हें यही मार डालते। अब गोकू उस बटन को निकालता है और कहता है, चलो अब चलने का समय आ गया है। अब गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वहाँ विश और वेजिटा आ जाते हैं। वेजिटा कहता है, विश कैकरोट कहाँ गया। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, यहाँ पर सिर्फ गोकू ही गायब नहीं है बल्कि वो बड़ा पेड़ भी नहीं है। वेजिटा ये सब देख के शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या वो पेड़ कहाँ गया, ऐसा कैसे हो गया विश,
ये चल क्या रहा है? विज कहता है, लॉर्ड वेजिटा, ये तो मैं भी नहीं जानता कि यहाँ चल क्या रहा है। शायद गोकू ने उस पेड़ को खत्म कर दिया हो। वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या ये उसने कैसे किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो सकता। वो अकेला कैसे इस पेड़ को खत्म कर सकता है? मैं गॉड होकर ऐसा नहीं कर पाया और उसने ये कर दिया। विच कहता है, मैंने बस ऐसा होने का अंदाजा लगाया है लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है, ओह मगर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये सब अचानक से होना और कैकरोट और पेड़ का एक साथ गायब होना तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? विच कहता है, हाँ लॉर्ड वेजिटा लग तो रहा है। वेजिटा कहता है, विच क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो? विच कहता है, पूछिए लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा पूछता है, तुम ग्रैंड प्रीस्ट यानी तुम्हारे फादर को कब से जानते हो? विच कहता है, भला ये कैसा सवाल हुआ लॉर्ड वेजिटा, मैं तो उन्हें बचपन से ही जानता हूँ। वेजिटा कहता है, इसका मतलब तुम उनकी लाइफ के बारे में नहीं जानते? विच कहता है, लॉर्ड वेजिटा मैंने अभी तो कहा मैं उन्हें जानता हूँ। वेजिटा कहता है, नहीं विच, तुम सिर्फ उतना जानते हो जब तुम पैदा हुए या तुम्हें बताया गया, तुम सिर्फ उतना ही जानते हो। विच कहता है, हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। वेजिटा कहता है, तुम उनकी पूरी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उनकी शुरुआती लाइफ कैसी थी, वो कैसे थे? विच कहता है, बात तो आप एकदम सही कह रहे हो, मगर आप ये सब बातें क्यों कर रहे हो? वेजिटा कहता है, क्योंकि इन सब के पीछे तुम्हारे फादर ही है। ये बात सुनकर विच सीरियस फेस बना लेता है और कहता है, लॉर्ड वेजिटा ये आप कैसी बात कर रहे हो, भला फादर ऐसा क्यों करेंगे? वेजिटा कहता है, यही तो मुझे पता लगाना है। विच कहता है, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई होगी लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है, नहीं विच ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है उन्होंने ताकत के लिए सब किया है। तभी विच कहता है, लॉर्ड वेजिटा आप मेरे फादर के बारे में ये सब मत कहिए, अब आप ही बताइए भला आपको ताकत की क्या जरूरत है? वो इस मल्टीवर्स के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स में आते हैं और उनके स्पीड का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब वेजिटा कहता है, उन्होंने पूरी तरह से तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है। विश अभी तुम्हें कहा कि वो टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर में आते हैं, तो सोचो 4 लोग और भी हैं जो तुम्हारे फादर के जितने स्ट्रॉन्ग हैं। विच कहता है, मगर लॉर्ड वेजिटा। तभी वेजिटा कहता है, क्या पता उन्हीं को हराने के लिए वो और स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं। विच कहता है, बिना सबूत के आप उन पर इल्जाम नहीं लगा सकते हो लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है, ये बात तो मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कैकरोट भी इस बात को मानता है। विच कहता है, अच्छा इसका मतलब गोकू ने ये सब बातें आपके दिमाग में भरी है। वेजिटा कहता है, विच मैं जानता हूँ अपने फादर पे पर शक करना बहुत मुश्किल है, मगर मेरी बात को एक बार मान कर तो देखो, क्या पता ये सब सच हो, इन सब के पीछे ग्रैंड प्रिस्ट ही हो। विच सीरियस फेस बनाकर कहता है, अगर ऐसी बात हुई तो मैं खुद उनसे फाइट करूंगा। ये बात सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू एकदम से जैनोसामा के पैलेस में आ जाता है। तभी जैनो के गार्ड्स गोकू को रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? गोकू कहता है, नहीं नहीं मैं बस जैनोसामा से मिलने आया हूँ। तभी दोनों जैनो गोकू को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, गोकू तुम आ गए, तुम कहाँ चले गए थे, इतने दिन से तुम मिलने क्यों नहीं आए? गोकू कहता है, मैं अर्थ पर ही था जेनी। जैनो कहता है, मगर मैंने तो डाइसिंगिन से पूछा था, वो तो कह रहा था कि तुम बहुत ही बिजी हो। गोकू अब मन में कहता है, अच्छा तो ग्रैंड प्रिंस ने यहाँ भी अपना ट्रैप बनाया हुआ है। जैनो पूछता है, क्या बात है, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? गोकू कहता है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। गोकू अब मन में सोचता है, मैं इन्हें कैसे कहूँ, समझ में नहीं आ रहा, ये तो अभी बच्चे हैं, मैं क्या करूँ, क्या मुझे इनके गार्ड से बात करनी चाहिए? हाँ ये ही सही रहेगा, मैं इनसे ही बात कर लेता हूँ। तभी गोकू जैसे ही गार्ड्स को बताने के लिए आगे बढ़ता है, वहाँ आ जाता है ग्रैंड प्रिस्ट। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हेलो जैनोसामा। अब ये आवाज सुनकर गोकू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और घबराने लगता है। गोकू मन में कहता है, क्या ये यहाँ पहुँच गया, मगर इतनी जल्दी कैसे, ये इतना ज्यादा फास्ट हो गया है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे किसी से डर लग रहा है। जैनो कहता है, हेलो डाई तुम यहाँ? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वो मैं बस आपसे मिलने चला आया।
जैनो कहता है, ये देखो मेरा दोस्त यहाँ पर आया हुआ है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जरा मैं भी तो देखूं कौन आया है। ओ ये तो गोकू है। हेलो गोकू, कैसे हो? गोकू अब घबराकर स्माइल करता है। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अब ग्रैंड प्रिस्ट मन में सोचता है, ओ तो ये यहाँ भी आ गया। अब गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट टेलीपैथी में बात कर रहे होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, खुद को ज्यादा स्मार्ट समझते हो। गोकू कहता है, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अच्छा और कैसे रोकोगे मुझे? तुम्हारे पास जितनी भी ताकत है वो मेरी है, एंजल्स की पावर। गोकू कहता है, फिर भी मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपने हाथों को ऊपर करता है। अब ये देख के गोकू अपना कामयाबी चार्ज कर लेता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अनुसामा आज मौसम बहुत अच्छा है ना, क्यों ना हम आज बाहर घूमने जाएं? ये सुनकर गोकू शॉक कर जाता है और कहता है, ये करना क्या चाहता है? जैनो कहता है, ये तो ग्रेट आइडिया है, तो हम कहाँ जाएंगे? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर भीड़ कम हो। जैनो कहता है, उसकी चिंता मत करो, भीड़ को मैं कम कर दूंगा। तभी गोकू कहता है, जैनी मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ और तुम बाहर जा रहे हो। जैनो कहता है, मुझे माफ करना गोकू, डाई हम फिर कभी चलेंगे, अभी हमें गोकू के साथ रुकना है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, पर जैनो सामा। जैनो कहता है, तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जैसी आपकी मर्जी जैनो सामा। ग्रैंड प्रिस्ट अब टेलीपैथी में कहता है, स्मार्ट तो तुम हो, मानना पड़ेगा तुम्हारा दिमाग। अब गोकू स्माइल करके कहता है, तुम बस देखते जाओ तुम्हारा प्लान कैसे फेल होता है। अब ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चला जाता है और जैनो कहता है, गोकू क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? गोकू कहता है, नहीं जैनी मैं बस यहाँ तुमसे मिलने आया था। अब गोकू कुछ दिनों तक जैनो के पैलेस में रहता है और उनके साथ खेलता है। जैनो कहता है, कैसी लगी ये ड्रेस? ये मेरे डैड की है, तुम पर ये फिट आ रही है ना? गोकू कहता है, हाँ मगर ये मेरे लायक नहीं है। अब गोकू अपनी ओरिजिनल ड्रेस पहन लेता है। गोकू कहता है, जैनी क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? जैनो कहता है, हाँ गोकू। गोकू कहता है, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जैनो पूछता है, कैसा काम गोकू? गोकू कहता है, जैनी तुम मेरे दोस्त हो तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे पैलेस में कोई ना आए और तुमसे कोई ना मिले, ग्रैंड प्रिंस भी नहीं। जैनो पूछते हैं, पर क्यों गोकू? गोकू कहता है, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम किसी से ना मिलो। जैनो कहता है, ठीक है गोकू, सुनो गार्ड्स सभी की एंट्री बंद कर दो। गार्ड्स कहते हैं, जी माय लॉर्ड। गोकू कहता है, थैंक्स जैनी, अब मैं बहुत थक चुका हूँ, तो क्या मैं सोने जाऊँ? जैनो कहता है, हाँ गोकू तुम जा सकते हो। इसके बाद गोकू सो जाता है और फ्यूचर गोकू से मिलता है। गोकू पूछता है, ये क्या मजाक है, मैं अपनी पावर यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? फ्यूचर गोकू कहता है, ओह ऐसा मैंने ही किया था, मैंने तुम्हारी सारी ताकत को लॉक कर दिया है। गोकू पूछता है, लॉक कर दिया है पर क्यों? फ्यूचर गोकू कहता है, ताकि तुम अब इस ताकत को वेस्ट ना करो। गोकू पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? फ्यूचर गोकू कहता है, अब तुम इसे कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। गोकू पूछता है, पर क्यों? फ्यूचर गोकू कहता है, क्योंकि वो ताकत सब मेरी है। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है।